अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं माशाल्लाह रेसिपी में हम बना रहे हैं नूडल्स का हलवा, नूडल्स हक्का नूडल्स। तो हमने ना 2 ग्लास वाटर पानी बॉईल किया हुआ है पानी, और उसमें ना हम ये 2 ग्लास ना ये नूडल्स के डाल देंगे, है ना। और ना ये मैं अक्खे इसलिए डाली हूँ क्योंकि है ना ये बॉईल होने के बाद ना खुद ब खुद क्या होता है वो खुल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और ना उसके बाद मैंने इन नूडल्स को बॉईल करने के बाद में मैंने 1 चम्मच तेल डाल के उसमें सब जो वेजिटेबल्स थे जैसे सब मैंने एक साथ डाल के उसे ना थोड़े से स्टीम कर लिया था, फिर सॉफ्ट होने तक, है ना। जैसे हम डालेंगे कैबेज, पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची, टमाटर और प्याज की पत्ती, ऑनियन, फ्रेंच बीन्स, जो जो आपके पास है, जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास है आप सब इसमें डाल के ना अच्छे से इसको ना ऊपर नीचे करके और इसको ना हम हला के थोड़ा सा स्टीम दे देंगे सॉफ्ट होने तक। हाँ, और हाँ, मेरी माशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए मैं इसे कवर कर दे रही हूँ 1 लीड से, है ना। और देखिए ये कवर होने के बाद में ना थोड़ा उसको हम मैक्सिमम ना कम मत बनाइए, पकाइए सॉफ्ट होने तक, जो है ना हमारी वेजिटेबल्स हमको पकाते रहिए। अब हम इसमें डालेंगे हक्का नूडल्स मसाला, है ना, देसी हक्का नूडल्स मसाला ये देखिए। और ये मैं इतनी क्वांटिटी में इसमें डाल रही हूँ, आपको मैं एकदम करीब से दिखा रही, है ना। और उसको हम अच्छे से मिक्स देने के बाद हम उसमें डालेंगे नूडल्स, है ना। नूडल्स बॉइल्स करते टाइम मैं आपको एक टिप्स देना भूल गई कि ना पानी में नमक और ना 1 स्पून तेल डालना मत भूलिए, और बॉईल होने के बाद ना उसको ठंडा पानी उसमें ज़रूर डालिए, तो क्या नूडल्स से आपके स्टिक नहीं होंगे, यानी चिपकेंगे नहीं एक दूसरे में, है ना। और अच्छे से मैंने इसमें डाला ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और ना सोया सॉस, तीनों डाल के ना अच्छे से मिक्स कर दिया, है ना। और ना आप देखिए कितनी बेहतरीन टेस्ट होता है ना इसका एकदम। इसमें जो नूडल्स का जो मैं मसाला डाल रही थी ना, सभी मैंने ना 2 2 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि मेरे नूडल्स जो है ना 2 बंच है, यानी कि 500 ग्राम है ना मेरे नूडल्स, इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। अगर आपके नूडल्स कम हो तो आप ना आप 1 1 ही चम्मच डालिए। देखिए किस तरीके से रेडी हो गए मेरे हक्का नूडल्स।